वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मेरा नाम है सुमित और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैनासोनिक एयर प्यूरीफायर के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है VXM35A और इसके अंदर एक ह्यूमिडिफायर भी आता है। और आज हम इसको करेंगे डिसमेंटल। जैसे कि हम अनबॉक्सिंग करते रहते हैं, आपने देखा होगा, आज हम करेंगे डिसमेंटल। तो गाइस देखते हैं डिसमेंटल में हमें क्या क्या चीज मिलेगा, मतलब इसके अंदर क्या है, इसको देखेंगे, इसको पूरा खोलेंगे। इसके अंदर एक कंट्रोल पैनल फ्रंट में है, इसमें दो सेंसर है, इसमें एक ब्लोअर है और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। तो गाइस चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। तो वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबाएं, सो दैट ऐसे ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहें। और आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम है इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स के नाम से, और मेरा पर्सनल हैंडल है माईसेल्फ सुमित ऑफिशियल के नाम से। आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि आजकल रील्स और शॉर्ट्स का बहुत जमाना है, तो शॉर्ट वीडियो हम इसके अंदर लेके आते रहते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना तो भूल गया, इसको आपको डिसमेंटल के लिए करना क्या है। तो गाइस मेरे पास एक चीज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हथौड़ी और मैं इसके ऊपर मारने वाला हूँ। ना ना ना, तोड़ना नहीं है, डिसमेंटल करना है, जैसा कि मैंने बताया था। तो गाइस इसको डिसमेंटल करने के लिए हमें एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा और कोई हथौड़ा वथौड़ा कुछ नहीं चाहिए होगा। स्क्रू ड्राइवर है, इसको हमें इससे ही पूरा खोलना है, डिसमेंटल करना है। तो गाइस सबसे पहले मैं इस प्रोडक्ट की थोड़ी सी बात बता देता हूँ। ये जैसे कि आप फ्रंट पैनल देख रहे हैं, इस फ्रंट पैनल का ये है कवर और यहाँ पे साइड में जो एयर है वो इनलेट होती है, यहाँ से इनलेट होती है, तीन जगह से यहाँ पे एयर है वो इनलेट होती है। और अगर मैं बैक की बात करूँ तो आपको बैक में इसमें इसकी एक बॉडी मिलेगी, बॉडी के साथ में साइड में एक टैंक है, इसका एक वाटर टैंक है और इसका ये वाटर लेवल है, जो कि इसमें आपको पता चलता रहेगा कि ह्यूमिडिटी में इसमें पानी कितना है। और साथ में आपको ये मिलेगी एक ट्रे, जिसके अंदर ये एक ह्यूमिडिफायर वाला फिल्टर है और यहाँ पे इसके अंदर एक एंटी फंगस असेंबली है, जिससे कि फंगस नहीं लगता है। और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा एंटी फंगस असेंबली, यहाँ पे ये चीज है। इसके तो ये पार्ट्स हो गए। और अगर मैं बात करूँ जो यहाँ पे जो स्पेस है एयर आउटलेट का है, और इसके सबसे ऊपर टॉप पे जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक कंट्रोल पैनल है जिसमें कि आपको सारे जितने भी ऑपरेशंस करने हैं वो आप यहाँ पे ऊपर बटन से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं साइड की बात करूँ तो यहाँ पे दो सेंसर हैं, जिसे ऑडोर सेंसर कहते हैं। तो सेंसर यहाँ पे दो हैं बस, यहाँ पे तो कुछ नहीं, बाकी पीछे एक पावर कॉर्ड है जैसे कि सप्लाई जाती है। तो चलिए इसको अब डिसमेंटल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने साइड की ट्रे तो ओपन कर ली है, अब यहाँ से इसका फ्रंट पैनल निकाल देते हैं। फ्रंट पैनल के पीछे आपको एक ये मिलेगा हेपा फिल्टर और ये कार्बन फिल्टर, ये हमें रिमूव कर देना है फिलहाल। सो गाइस अब ये देख लीजिए, ये एक यहाँ पे लीनिंग इंडिकेटर जिसे कहते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो कि हमारे जो एयर है वो क्लीन है या नहीं है। और इसको क्लीन कैसे करते हैं हेपा फिल्टर को, ये इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे तो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे फ्रंट में हमारे पास एक दो तीन चार पाँच स्क्रू हैं जो हमें इसको निकालने हैं। ये मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ सो दैट कि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। तो एक यहाँ से निकालना है, यहाँ से चार हैं और बैक साइड में भी हैं कुछ, मैं आपको बैक साइड में दिखा देता हूँ। तो बैक साइड में आप जैसे कि देख सकते हो, बैक साइड में दो यहाँ पे हैं, ये इसके हैंडल है साइड में, इसे हैंडल कहते हैं, हम इसको पकड़ के इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से दो स्क्रू निकालने हैं, ठीक है, फाइव तो आगे थे, दो पीछे, मतलब पाँच छः सात और आठ यहाँ पे, एक यहाँ पे है और नौ यहाँ पे है, ठीक है। तो पूरे नाइन हैं अभी तक जो मैं रिमूव कर चुका हूँ। तो अब क्या है, इसको सबसे पहले हम फ्रंट से ओपन करेंगे। तो गाइस हमने इसको लिटा दिया है और लिटाने के बाद सबसे पहले हम इसका फ्रंट का पैनल का जो पार्ट है वो ओपन करेंगे। आप भी ओपन कर रहे हैं इसको प्रोडक्ट को, तो मेक श्योर आप थोड़ा सा तरीके से करें, क्योंकि इसके कुछ ऐसे क्लिप्स होते हैं वो टूटे ना, क्योंकि एक बार टूट गया तो फिर ये मतलब वेस्ट हो जाता है, मतलब वो ठीक से फिट नहीं होगा। तो मैं इसको बहुत तरीके से कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं नीचे से। तो गाइस ये फ्रंट पैनल है जिसको हम ओपन कर चुके हैं, और फ्रंट पैनल में कुछ इस हिसाब से आपको मैं जो बता रहा था क्लिप्स होते हैं वो टूटे ना। तो यहाँ पे चार क्लिप हैं और कोई क्लिप नहीं है, इसका भी खोलने का तरीका होता है। तो हमने यहाँ पे खोल दिया इसको और इसको रखते हैं साइड में, इसका फ्रंट पैनल ओपन हो चुका है। तो गाइस फ्रंट से कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आपको एक मोटर मिलेगी, इस मोटर को भी ओपन कर देते हैं, ये स्लाइड करके ओपन हो गया। अब करेंगे पीछे बैक साइड का ओपन करेंगे इसको।
इसके दो जो लॉक होते हैं वो ऊपर से होते हैं, इसको भी मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। सो गाइस हियर वी गो, ये हो चुका है ओपन, इसका जो दो पैनल थे वो ओपन हो चुके हैं जैसा कि देख सकते हो। सो ये एक फैन है जो एयर फ्लो करता है। यहाँ पे सबसे पहले अभी हम बात करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में एक मोटर है, वायरिंग है, ये जो कंट्रोल पैनल है, इस कंट्रोल पैनल को मैं ओपन करके मैं हर चीज़ खोल के दिखाऊंगा। तो अगर मैं साइड की बात करूँ तो गाइस साइड में दो सेंसर हैं, ह्यूमिडिटी वाला सेंसर है, एक है ऑडोर सेंसर। तो गाइस जो ऑडोर सेंसर की अगर मैं बात करूँ तो ऑडोर सेंसर क्या करता है, ऑडोर सेंसर करता है पेट्स की स्मेल हो गई, चिकन की, सिगरेट की या कुकिंग की स्मेल, इन चीज़ को सेंस करता है। और जो ह्यूमिडिटी वाला सेंसर होता है वो क्या करता है, पानी होता है, पानी की जो कह सकते हैं भाप, जैसे हम हिंदी में कहते हैं वाटर वेपर, तो जो पानी की भाप है उसको सेंस करता है। अगर आपने जो इस अगर ये रूम में रखा हुआ है और इसको कोई गेट को ओपन कर लिया तो एटमॉस्फेयर चेंज हुआ तो उसको सेंस करता है। जब वो सेंस करता है तो हमारे कंट्रोल पैनल में दिखता है कि आपको ह्यूमिडिटी इतने परसेंट चाहिए या इतनी चाहिए, और क्लीनिंग के लिए भी हमें इसमें ही दिखाता है, इस सेंसर के थ्रू ही दिखाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो सेंसर है यहाँ पे, ये इतने डर्टी हो रखे हैं क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में इसको बार बार से क्लीन किया था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं जो हूँ इसको तरीके से क्लीन करना चाहता हूँ, मतलब हर चीज़ खोल के करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप अब देख रहे हो हम वीडियो बना रहे हैं तो इसमें हर चीज़ मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, इसमें मैं पूरी वायरिंग भी खोल दूंगा, देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें कैसे लगती है क्या होता है। तो चलिए ये हो गया साइड प्रोफाइल। अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमने साइड में एक मोटर लगी हुई है, इसे ह्यूमिडिफायर वाला रोटेटर कहते हैं, जो पानी को रोटेट करता है। और यहाँ पे हो गया बैक साइड से फ़ैन हो गया एयर फ्लो के लिए, जो कि जो पान जो हवा है वो यहाँ पे आती है और ह्यूमिडिटी वाला पानी यहाँ से आता है, पानी सब यहाँ से इसको ह्यूमिडिटी बना के ऊपर भेज देता है। जैसे मैं एक चीज़ और बता दूँ, इसके अंदर पानी का की भाप नहीं निकलती, क्योंकि बेसिकली ह्यूमिडिफायर क्या होते हैं, ह्यूमिडिफायर भाप निकालते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा छोटे छोटे डिवाइस आते हैं और भी चीज़ें आती हैं, तो क्या ये पानी की भाप को नहीं निकालता, ये पानी को फ्लो करता है। तो फ्लो करते करते के साथ इसमें ये जो भी कह सकते हैं ठंड जो होती है इसको मतलब ऊपर लेके जाता है पानी को, और हवा निकलती रहती है। तो आप ये ना सोचो कि इसके अंदर भाप क्यों नहीं निकल रही जैसे एसी के अंदर निकलती है, आपने को भी नोटिस करा होगा जब हम एसी चलाते हैं गर्मी में और टेम्परेचर बाहर का बारिश वाला होता है तो भाप निकल रही होती है, तो वो एक अलग वेपर होता है और ये अलग होता है। तो गाइस इस चीज़ को ध्यान रखें, ये कोई गर्म नहीं करता, ये हीट वाला ही वेपर नहीं होता, तो उससे पानी को ही फ्लो करके ये ऊपर से निकालता है। तो गाइस चलिए अब मैं इसकी एक और साइड का लेफ्ट हैंड साइड का प्रोफाइल दिखाता हूँ। इसमें आपको मिलेगी मेन चीज़ जिसे कहते हैं पीसीबी। पीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, पीसीबी की फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो आज मैं इसको भी ओपन करके दिखाता हूँ उसके अंदर कैसा दिखता है, किस हिसाब से ये जितनी भी वायरिंग है अगर आप देखो तो इसके अंदर जो लाइन है वो भी यहीं से जा रही है, जितने भी सेंसर है वो भी यहीं से जा रहे हैं। तो पीसीबी गाइस एसी में भी होता है, हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में होता है, पीसी के भी कुछ लेयर्स आती हैं, वो मैं कभी डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीसी कितने टाइप की आती है, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स वाली भी आती हैं। तो चलिए मैं पीसीबी को पहले इसको खोलता हूँ। तो पीसीबी को खोलने के लिए यहाँ पे हमें एक स्क्रू, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो कैसे पीसीबी को हमें ओपन करना है तो यहाँ से स्क्रू को ओपन कर देना है। ये है पीसीबी जिसके अंदर जितने भी सारे सर्किट हैं वो सब लगे हुए हैं, एक एक चीज़ को निकालते रहेंगे। तो ये है पावर का, जैसे कि रेड एंड ब्लैक आपको पता ही होगा, रेड होता है पॉजिटिव, ब्लैक होता है नेगेटिव। तो इसको हमने ओपन कर लिया और ये वायर यहाँ से निकाल ली। तो कैसे देखो ये है वायर, ये मैं वायर पूरी तरीके से इसको निकाल चुका हूँ। लेंगे कंट्रोल पैनल को, तो इसकी जो वायर है ये ब्लू कलर की कुछ इस तरीके से वायर है, इसको यहां से इसको निकाल के तो गाइस ये है पीसीबी, इसको मैं बाहर निकाल चुका हूँ और ये हैवी भी है काफ़ी, फैन भी है, सेंसर भी है। अब निकालते हैं सेंसर को, सेंसर को भी क्लीन करेंगे।
तो गाइस अब कंट्रोल पैनल को निकालने के लिए हमें दो पेच और खोलने हैं, स्क्रू और खोलते हैं यहाँ से जो कि इसके अंदर है। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कंट्रोल पैनल निकल चुका है और इसको भी पूरा खोलते हैं। और यहाँ पे देखो कितनी डस्ट है भाई, ये देखो कितनी डस्ट है, बहुत ज़्यादा डस्ट है। और चलो इसको भी निकालते हैं, ये देखते हैं इसमें और क्या क्या कैसे बटन्स हैं। तो चलिए इसको भी ओपन करते हैं। सो गाइस ये सारी लाइट्स हैं जो बटन से काम करती है, ये एक स्पीकर है, ये लाइट्स हैं, एलईडी लाइट्स हैं, ये सर्किट है, ये भी एक सर्किट है, ये भी एक कह सकते हैं पीसीबी है। और इसको हमने निकाल लिया, इसको करते हैं साइड। इसके कुछ बटन्स हैं और बटन्स ये वाले बटन हैं जो कि आजकल मतलब मैंने काफ़ी देखे हुए हैं, आप लोगों को पता नहीं देखे हुए लिखे हैं। तो ये बटन्स आते हैं और ये यहाँ से प्रेस होते हैं, ये इसके थ्रू प्रेस होते हैं और लाइट सारी इसके अंदर जाती है। तो चलिए इसको कर लेते हैं साइड। तो पहले हम इस वाली मोटर को निकालते हैं। इसे रोटेटर कहते हैं जो कि ह्यूमिडिफायर वाले फिल्टर को रोटेट करता है, तो ये रोटेटर है। आप जैसे कि पीछे भी डिटेल्स देख सकते हैं इसके बारे में, ये मेड इन चाइना है। तो यहाँ से निकाल चुके हैं, साइड से पूरा ख़त्म हो चुका है, ऊपर से निकल चुका है। अब इस साइड से कुछ नहीं बचा, इस साइड से सिर्फ वायर है। इस मोटर को निकालना है। अब खोलने के लिए शायद 10 नंबर का की आपको रेंच चाहिए होगा। इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओके तो गाइस ये उल्टी तरफ से खुलता है। सो गाइस ये जो बोल्ट है ये क्लॉकवाइज खुला है, बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज खुलते हैं। तो ये एक पार्ट है इसका। सो गाइस अभी ये भी निकल चुकी है इसकी मोटर। तो गाइस ये है मोटर इसकी, इसको भी मैंने फाइनली पूरा निकाल दिया है। और ये मोटर भी काफ़ी मतलब ये कह सकते हो 700 to 800 grams की होगी। इस पे बस एक नंबर लिखा हुआ है और ऐसा लग रहा है पत्थर है ये, पता नहीं सच में पत्थर है क्या। देखो अगर आप देख पा रहे हो इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा शेप थोड़ी अलग है, ये प्लास्टिक की है मतलब पूरी पैक है। मुझे लगता है अगर ये ख़राब भी होती होगी तो शायद यहाँ से रिपेयर नहीं होता होगा, बाहर से आता होगा। और तो वैसे तो ख़राब ही नहीं होता क्योंकि इतना टाइम हो गया मेरे को, उसको 4 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए। तो बढ़िया है प्रोडक्ट, तो पैनासोनिक के सारे बढ़िया ही होते हैं। पैन को निकालने के लिए एक और स्क्रू है, वो हमें खोलने हैं दो। ओके कुछ वायर है, राइट वायर है, तो गाइस ये है इसका पूरा एक और पार्ट। सो गाइस ये पूरा कंप्लीट निकल चुका है और इसको निकालते हैं फैन को। लो ये भी निकल चुका है, एक ये पार्ट निकला है, शायद ये स्टेबलाइजर हो सकता है। लेकिन हाँ मैं इस पार्ट को देखूंगा ये क्या चीज़ है, आपको मैं ज़रूर उसको वीडियो में लिख दूंगा क्या कहते हैं इसे। और ये है इसकी हड्डी जैसे हम कह सकते हैं, सब कुछ खोल खाल दिए। यहाँ पे एक सेंसर है, इसको मैं नहीं ओपन करूँगी जैसे कि दिख ही रहा है, बाकी सारी वायरिंग है। तो ये सारा तामझाम है, आज ये पूरा खोल चुके हैं। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी होगी क्योंकि मैंने हर चीज़ ओपन कर दी है, हर चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो कि नहीं निकल सकती, हर एक चीज़ निकाल दी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें गाइस, शेयर ज़रूर करें, बहुत मेहनत लगी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और ये वीडियो चले गए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी और हम आने वाले टाइम में ऐसे ऐसी और वीडियोज़ को लेके आते रहेंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।